दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट को अगर आपको बनवाना है तो कैसे आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एंटायर जो प्रोसेस था एप्लीकेशन का, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। और इस वीडियो में आप देखोगे कि मैं हूं और मेरे साथ में आयशा जहरा भी मौजूद हैं, जो कि रिसेंटली इन्होंने भी अपना जो पासपोर्ट है वो बनवाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको एक प्रोसेस फ्लो बताएंगे, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है अगर आप अपना पासपोर्ट बनवा रहे हो, आप परेशानियों का जो सामना है वो करने से बच सकोगे, जो मैं यहाँ पर सेफ्टी बताने वाला हूँ। तो चलिए, पासपोर्ट को हम साइड में रखते हैं। और सबसे पहले तो पासपोर्ट हमने आयशा का जो बनवाया है वो क्यों बनवाया है, तो आयशा खुद आप बता दो कि पासपोर्ट क्यों आप बनवा रही हो। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा दूर, मैं जा रही हूँ स्पेन, पासपोर्ट तो ऑब्वियसली बनवाना ही पड़ेगा। स्कूल की तरफ से कुछ एक्टिविटी होती हैं, जो समर कैंप वगैरह वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और इनको मौका मिला है स्कूल की तरफ से, तो हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से बेस्ट जर्नी। तो सबसे पहले तो आप सभी को जब भी आप अप्लाई करोगे तो वहाँ से अपॉइंटमेंट निकालना है। जिस भी पासपोर्ट ऑफिस का आप अपॉइंटमेंट निकालते हो वहाँ पर आपको विजिट करने की ज़रूरत होती है, और जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको जो अपॉइंटमेंट स्लिप आपने निकाल ली है उसका एक जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी निकाल लेना है। इसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हो पासपोर्ट बनाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट की जो है एक एक जीरोक्स कॉपी आपको बनानी है, वो आपको उस फाइल के साथ में अटैच करना है। साथ ही में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आप जीरोक्स लगा रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी पासपोर्ट ऑफिस लेकर के जानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको वापस आना पड़ेगा, फिर से आप अपॉइंटमेंट निकालोगे, दोबारा से आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, अगर आप ई आधार कार्ड, हाँ बर्थ सर्टिफिकेट पर भी आएंगे, अगर आप ई आधार कार्ड आप दे रहे हो तो आपको इंटरनेट के थ्रू लेटेस्ट कॉपी डाउनलोड करनी होगी। अगर आपके पास ओरिजिनल पीवीसी कार्ड है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से प्रिंट करके उसको लेमिनेट करके यूज़ कर रहे हो तो आपको इंटरनेट के थ्रू ई आधार की जो कॉपी होती है, जो A4 पेपर पर निकालते हो, वो आपको निकाल करके पासपोर्ट ऑफिस लेके जाने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि उसमें जो सिग्नेचर मौजूद होते हैं वो भी वेरीफाई होने चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ई आधार को डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उस पर जो सिग्नेचर मौजूद होते हैं वो सिग्नेचर वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो आधार है वो मान्य नहीं होता है। कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है और आपका हाई स्कूल क्वालिफाई हो आप, तो आप पासपोर्ट इजीली बना पाओगे। अगर आधार कार्ड ही आपके पास में है, मार्कशीट नहीं है, 10th आप क्वालिफाई नहीं हो, 8th पास हो, 5th पास हो, तो उस केस में ईसीएनआर जो है रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जब भी आप विदेश कहीं पर भी जाओगे तो इमिग्रेशन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई किया जाता है कि जो वीज़ा आपको दे रहा है किस पर्पज़ के लिए आपको लेके जा रहा है, कहीं आप किसी स्कैम में तो नहीं फंस रहे हो। इसके लिए गवर्नमेंट एक टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है, जो कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं कंपनी को वेरीफाई किया जाता है, जो पर्सन जा रहा है क्या उसको पता है वो किस काम के लिए जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास में आपको पेश होने की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप कहीं पर भी जर्नी करोगे। तो उस केस में एक एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है जब भी आप कोई विदेश की जर्नी कर रहे हो, लेकिन अगर आप 10th क्वालिफाई हो, आप पढ़े लिखो, तो आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आज की डेट में यही जो दो डॉक्यूमेंट हैं वो सफिशेंट हैं। अगर फिर भी आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, वो अच्छा रहेगा, और नहीं है तो उसके लिए अगर हाई स्कूल क्वालिफाई हो तो ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन आयशा के केस में क्या था, इनको बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी था, क्योंकि अभी ये किस क्लास में हो, सिक्स क्लास में है, इसलिए इनको जो है बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी था, इसीलिए आपको बार बार बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बता रही थी। लेकिन 10th जब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे तो उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, तो वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक कैप्चर किए जाते हैं, जिसमें कि जिस तरीके से आप आधार बनवाते हो, आपके फिंगर हो गए, आयरिस हो गया, इसी के साथ में आपकी फ़ोटो को कैप्चर किया जाता है। और इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हो, जीरोक्स लेके जाते हो, वो साइड में वो लोग रख देते हैं, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वो स्कैन करते हैं अपने स्कैनर में, और DSLR के थ्रू आपकी फ़ोटो कैप्चर की जाती है। जिसलिए आप लोगों के कमेंट थे कि हमने फ़ोटो तो अपलोड नहीं किया है तो उसके इसमें क्या होगा, तो वो फ़ोटो खुद वो कैप्चर करते हैं, हाई क्वालिटी की फ़ोटो कैप्चर की जाती है। तो यहाँ पर दोनों आपके सवाल के आंसर हमने दे दिए कि डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं किए थे और फ़ोटो नहीं अपलोड किया था, किस लिए नहीं किया था, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाओगे तो वहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो आप एंट्री करोगे गेट से, तो आपको बताया जाएगा कि किस काउंटर पर आपका जो है काम होगा। तो अंदर आप वेटिंग एरिया में जाओगे, LCD स्क्रीन पर आपका नंबर ग्लो होगा जो आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट पर मेंशन किया जाएगा।
देन फर्स्ट आप काउंटर पर जाओगे तो वहाँ पर आप सभी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो लोग स्कैन कर लेंगे, देन आप सभी को पास कर देते हैं बी काउंटर की तरफ। तो बी काउंटर पर क्या होता है कि एक बार फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं और इसके बाद में वो लोग आपको फॉरवर्ड कर देते हैं सी काउंटर पे। अब सी काउंटर पर मेन जो ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो वहाँ पर बैठे होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, जो भी आप साक्ष्य दे रहे हो मिलान करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे दर्ज है उसके बाद में वो जो फाइल है वो ग्रेंटेड कर देते हैं। आप सभी लोग घर चले आते हो और आपकी जो फाइल है वो पुलिस डिपार्टमेंट में वेरीफिकेशन के लिए चली जाती है, जिसमें कि सबसे पहले तो एसपी ऑफिस में जाती है, वहाँ से रिडायरेक्ट किया जाता है, जो भी आपका पुलिस थाना होता है वहाँ पर वो जो फाइल है वो पहुँच जाती है, जिसमें कि आप सभी का वहाँ पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाता है, कोई आप पे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो दर्ज नहीं है, जिसमें कि अगर कुछ भी मामला दर्ज नहीं होते तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जो थाना होता है उनकी तरफ से आपकी जो फोटोकॉपी वगैरह हैं डॉक्यूमेंट के जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में दिए हैं, आधार कार्ड, मार्कशीट, वो एक बार डिमांड करते हैं, उसके बाद में वहाँ से भी फाइल आपकी अप्रूव कर देते हैं, देन आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है, जो कि 3 दिनों के अंदर ही आपको SMS आ जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ केस में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं भी होता है, जैसे कि मैंने देखा कि आयशा के केस में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। उसमें यूँ नहीं हुआ था क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट था, क्योंकि ये माइनर है अभी और पेरेंट का जो पासपोर्ट होता है उसके बिहाफ पर ही उनका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो हो जाता है, जिसमें कि पासपोर्ट भी काफ़ी जल्दी इनका बन गया था। तो पासपोर्ट को आज की डेट में बनाना काफ़ी आसान हो चुका है। जो वीडियो मैंने बनाया था वो वीडियो देख करके आप पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो जो है आपका जो पासपोर्ट है वो बिना किसी एजेंट, किसी भी दलाल के आपका जो पासपोर्ट है वो बन जाएगा। और यहाँ पर ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हो तो 1500 रुपये की जो फीस है वो पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, जो कि हम नॉर्मल पासपोर्ट की बात करें 36 पेज की जो बुकलेट होती है वो आपको मिलती है। वहीं अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उसमें 3500 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। तत्काल जो आपका पासपोर्ट है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। नॉर्मल पासपोर्ट भी आज की डेट में काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, डेट भी आपको बहुत ही जल्दी की मिल जाती है, जिस वजह से आपका जो पासपोर्ट है वो आपके हाथ में जल्दी से आ जाता है। आयशा बताएंगी कैसा रहा एक्सपीरियंस पासपोर्ट ऑफिस जा करके, तो आप बताओ पासपोर्ट ऑफिस जब गए बनवाने में क्या कैसा फील आया, कैसे काम हुआ आपका? मुझे तब सबसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया था, मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी ना, और जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो हम लोगों ने मैंने सेक्शन ए विजिट किया था, बी विजिट किया था, सी विजिट किया था, मैं तो सारा काम फटाफट हो गया था। तो काम काफ़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि आज की डेट में जब से प्राइवेट हुआ है, अभी तो टाटा इसको मैनेज कर रहा है, तो टाटा ने पूरा टेंडर ले लिया, पहले NIC के पास में था, उसके बाद में टाटा के पास में आ चुका है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई का बस इतना रोल रखा गया है कि उनको लास्ट में अप्रूवल देना है कि ये जो पासवर्ड है बनाना है या नहीं बनाना है, जिसमें कि कोई क्रिमिनल अगर आपका रिकॉर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट कोई मिशन हाँ एक चीज चेक कर लेना चाहिए भाई, एक चीज बहुत ध्यान रखना, मुझे याद आ गया ऐसा ने बता दिया यहाँ पे, तो आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि आपके आधार कार्ड पर जो स्पेलिंग है वो आपके मार्कशीट पर सेम होनी चाहिए। इसी के साथ में कोई अदर डॉक्यूमेंट अगर लगा रहे हो, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट ही लगा रहे हो, तो उसमें आपको वेरीफाई कर लेना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, अगर ऐसा होगा तो फिर आपका जो पासपोर्ट है वो नहीं बनाएंगे। पहले से ही आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने ही नहीं है, जो डॉक्यूमेंट सही है वही डॉक्यूमेंट आप फाइल में लगाएं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, मुझे लगा कि आप सभी के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई पासपोर्ट हम बनवा रहे हैं, और होने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि भाई हम पासपोर्ट रोज़ तो नहीं बनवाते ना, लाइफ में एक ही बार पासपोर्ट बनवाना है, और वो भी जब पहली बार आप जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि कैसे क्या वहाँ पर काम होगा, जिसमें कि कोई अगर आपको गाइड कर दे, जो एक्सपीरियंस उनका है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल लेकर के जाना है, मिसमैच है डॉक्यूमेंट में नेम तो वो नहीं ले जाना है, तो वो ज़रूरी है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता, फिर सोचते हो यार कोई इसी एजेंट के थ्रू हम करा लेते तो आसान रहता। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। पासपोर्ट अप्लाई करना है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वीडियो देख सकते हो। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।